सीक्रेट जगह है। अरे कहना क्या चाहते हो? कटके खाई थी छोटी सी पूछी। छोटी सी पूछी अच्छा है। तू उसे छीनने बोला है, खाने नहीं बोला है जो तुम ठूस रहा है। सर पर बाल नहीं है। ये सब कौन बनाया? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 एंड अभी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया है। अभी जस्ट हम लोग नहाकर फ्रेश हुए तो अभी सबसे पहले नाश्ता करेंगे। उससे पहले सोचा कि चलो एक प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट किया जाए। अभी ये जो चिलगोजा रवि है, कहाँ जाएगा रवि? खुरमा लाने। कल ना फ्रेंड्स हटिया से खुरमा लेकर आए थे लेकिन ये पेटू सब ठूस लिया और थोड़ा सा रखा था, पता नहीं कौन चोरी कर लिया ना रवि। कहीं तुम ही नहीं खाया था रे? नहीं। तो कौन खाया था? कटकी। कटकी खाई थी? चल झूठा। अभी जाएगा रवि अपने पेट पूजा का इंतजाम करने खुरमा लाने। और किसके पैसे से? कटकी के पैसे से। अपना पॉकेट मनी खर्च नहीं करता है फ्रेंड, सारा कटकी का पैसा जो है ना वो खर्च कर रहा है। ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि ये जो नींबू पड़े हैं ना जो पापा कल हटिया से लेकर आए हैं, क्यों ना इनसे ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाया जाए। इससे बिल्कुल फ्रेश लगेगा और थोड़ी एनर्जी भी मिलेगी। और नींबू पानी ना फ्रेंड्स हमारे हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो चलिए फटाक से बनाते हैं ये ठंडा ठंडा नींबू पानी। चलो चलो चलो। नैना के पैसों से। और ये है नैना का सीक्रेट जगह। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जा नैना क्या करती है? पॉकेट मनी रखती है। अपनी पॉकेट मनी अपने पैसों को रखती है। अभी नैना सोच रही है कि इसे ना कहीं सीक्रेट जगह में छुपा दूंगी ताकि रवि ढूंढ ना पाए, क्योंकि रवि को कुछ भी खाने का मन करता है ना तो किसका पैसा लेता है? वो मेरा। इसी का पैसा लेता है फ्रेंड्स। और ये देखिए नैना का न्यू हेयर स्टाइल। कौन बना दिया नैना? दीदी। कौन दीदी? आरती दीदी। आरती ना फ्रेंड्स हेयर स्टाइल वगैरह में बहुत अच्छी है। ये देखिए नैना को न्यू हेयर स्टाइल करके दी है। नैना का न्यू हेयर स्टाइल ये देखिए, यहाँ पर इसकी एक छोटी सी पूंछी। छोटी बांधी है और यहाँ पर बाल जो है वो निकाल दिए हैं। चलो नैना पर ये हेयर स्टाइल सूट कर रहा है। तो जैसे भूरी बिल्ली की तरह रहती थी उससे तो बहुत अच्छा है ये हेयर स्टाइल, है ना नैना? देखिए फ्रेंड्स रवि लेकर आ चुका है अपना। क्या है रवि? ये खुरमा। हमारे यहाँ फ्रेंड्स इसे खुरमा कहा जाता है। और ये खाने में कैसा लगता है रवि? बहुत ही मीठा। मीठा लगता है? मुझे नहीं पता ये किससे बनता है, बट हमारे यहाँ इसे क्या कहते हैं रवि? खुरमा। खुरमा कहते हैं। टेस्टी लगता है कि नहीं? और अभी ये पेटू राम अपना पेट पूजा का इंतजाम कर लिया है सुबह सुबह। आप लोगों ने कभी ये खाया है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। और आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है वो भी बताना। कैसा है? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। अच्छा है, यम्मी लग रहा है। ज्यादा नहीं खाना ठीक है, नहीं तो पेट में किरमी हो जाएगा और काटेगा। ठीक है, सब खा जाएगा? नहीं बाबू सब नहीं खाना। तो मम्मी को ना सर्दी हो गई है इसलिए मम्मी ये जो साग होता है ना सोजना का साग वो लेकर आई है। हमारे यहाँ इसे सोजना का साग बोला जाता है। ये दाल सब्जी बहुत चीज बनती है इसका। दाल पीने से ना जो सर्दी होती है ना वो चली जाती है, बहुत ज्यादा राहत मिलती है। सर्दी के लिए ये सबसे बेस्ट इलाज है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या किया रवि? तोड़ दिया? नहीं तोड़ा। तुमने तोड़ा ना? आरती देखो रवि को आज मिलेगा कि नहीं, इसने ये वाला तोड़ दिया। तोड़ दिया ना रवि? ये पूरी छानने वाली। ये पूरी छानने वाला था ना, तुमने तोड़ दिया ना? पूरी छानने वाला नहीं। तो क्या है? भुजिया छानने वाली। भुजिया छानने वाला है भैया, तुमने क्यों तोड़ा? ये तो पुराना वाला है भैया। तो है इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये वाला पुराना वाला है? हाँ। तो पुराना होगा तो तुम तोड़ देगा। ये है दादा आदम जमाना का बटखारा, है ना? हाँ। बहुत पुराना बटखारा है फ्रेंड्स, ये 50 ग्राम का है। क्या तुमको ये बटखारा सब? पलंग के नीचे। पलंग के नीचे दो रख दूंगी, नहीं तो तुम खा जाएगा सब। दो नहीं, नहीं टूटेगा।
टूटेगा नहीं तो खो तो जाएगा ना, तो कहीं गिरा उड़ा देगा तो बस। A few moments later, मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है और आरती का क्या काम है अभी? आंगन धोना। आंगन को धोना, इसलिए अभी आरती पूरे इस आंगन को धोएगी एंड इसके बाद पानी भर लेगी। पानी भर लेना नहीं तो लाइट चल जाएगी, ठीक है? हमारे यहाँ इन्वर्टर तो है ना आरती, लेकिन उसका कोई काम नहीं होगा क्योंकि ये जो मोटर है ना वो इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं है, है आरती? इसलिए इन्वर्टर होते हुए भी हमारा कोई काम नहीं होगा पानी का। मतलब रस्सी वाला बाल्टी है तो तुम्ही से मैं अभी भरवाऊंगी, भरेगी ना? नहीं। चला जाएगा लाइट तब? मम्मी खींचेगी और तुम बैठ कर क्या करेगी? फ्रेंड्स, ये दोनों ना घर का कोई भी काम नहीं करते हैं, सारा काम मैं, आरती और मम्मी करते हैं। लेकिन आज देखिए, पता नहीं सूरज शायद पश्चिम से उगा था क्या, दोनों बैठकर लहसुन छिल रहे हैं। कौन दिया लहसुन छिलने का काम? मम्मी। अच्छा किया, बैठ कर ठूस ठूस कर क्यों खाएगी, कुछ काम भी कर लिया करो। पेटू उसे छिलने बोला है, खाने नहीं बोला है जो तुम ठूस रहा है। नैना का तो हेयर स्टाइल बनाई, आज अपना भी हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, ये देखिए। रवि का भी तो हेयर स्टाइल चेंज कर दो, उसके सर पर बाल नहीं है। उसके सर पर बाल नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। सही बात है फ्रेंड्स, जितने भी बाल बचे थे ना वो भी कटा लिया। पता नहीं इसको क्या शौक चढ़ा था अपना बाल कटाने का। पापा ने झूला लगा दिया है ना फ्रेंड्स, तो ये दोनों दिन भर इसी झूले में लगे रहते हैं। ये देखिए, नैना बंदर की तरह झूल रही है उसके ऊपर चढ़ के। दीदी आप भी झूलिए ना। मेरा भी झूलने का मन करता है, बट क्या करूँ, ये बांस जो है वो थोड़ा कमजोर है, अगर मैं बैठ गई और टूट गया तो क्या होगा? तुम घोचू है तो बोलूंगी नहीं बार बार। तुम घोचू हो तुम। बाबू, रवि के आंखों में क्या हो गया है, एक फुंसी टाइप का उठ रहा है और फूल गया है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं आरती? गुजनी। इसे हम लोग गुजनी बोलते हैं। ये अपने आप होता है, अपने आप ही चला जाता है ना आरती? सो फ्रेंड्स, फाइनली मम्मी ने सारा लंच बना लिया था एंड वही सिंपल सा लंच बना था, चावल, आलू का चोखा, तुरई और चने दाल की सब्जी और सबसे यम्मी एंड सर्दी का बेस्ट इलाज सजना साग का जो दाल होता है वो। और यहाँ पर मम्मी ने करेला प्याज काट कर रखा था, सिर्फ करेले की सब्जी बनानी बाकी थी। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरे घर में सबसे बड़ा बावर्ची आया है जो अभी करेले की सब्जी बना रहा है। अभी सब बना दिया। कौन सब? ये सब कौन बनाया? चल झूठा। झूठा? नहीं नहीं। इधर देखो तो, तुमने बनाया, मम्मी ने बनाया? मम्मी, करेले बना रहा हूँ ना। करेले बना रहा है? मैंने बनाया फ्रेंड्स, अभी सिर्फ आ गया है चराने के लिए थोड़ा सा, है ना रवि? सब भूंज के जाएगा। सो ये निकल रहा है रवि के लिए, और रवि खाएगा ना? बोला है अगर नहीं खाया ना तो बहुत पीटूंगी, बस उतना ही। इतना खा लेगा ना तुम सारा? A few moments later. So friends, अभी शाम का समय हो चुका है और अभी बज रहे हैं शाम के चार। और अभी शाम के चाय का समय है, लेकिन ये जो पेटू चिलगोजा रवि है ये चाय ऐसे ही नहीं पीता है, इसे चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। इसलिए अभी क्या खरीदने जाएंगे रवि? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? चाय के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्नैक्स आता है जिसे कहते हैं पॉप। वो जो हवा मारने वाला पॉप होता है वो नहीं, पता नहीं हमारे गांव में कहते हैं पॉप। अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगी। ये रवि के बर्थडे में जो बैलून्स वगैरह लगाए थे ना फ्रेंड्स, वो ना अभी छोटे हो गए, पुचुक गए हैं, है ना रवि? तो अभी आरती गई थी बर्तली, हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर है फ्रेंड्स, वहीं से हम लोग राशन वगैरह का सामान लाते हैं। और क्या क्या लेकर आई आरती? मूढ़ी वगैरह लेकर आई है फ्रेंड्स। इन दोनों बोरों में मूढ़ी है, यानी मुरमुरे, क्योंकि हमारे घर में मूढ़ी बहुत ज्यादा खाया जाता है ना आरती? और इसमें है कुछ राशन के सामान। हमारे गाँव में क्या खाया जाता है रवि? पॉप कहा जाता है। और ये चाय के साथ कैसा लगता है रवि? टेस्टी। बहुत ही ज्यादा टेस्टी एंड यम्मी लगता है फ्रेंड्स, लगता है ना बाबू? हाँ। मैं खाना चाहता हूँ। क्या करता है रे तेरी तो? सो ये रहा हमारा शाम का स्नैक्स, चाय और पॉप।
पॉप शाम का नाश्ता ही समझिए। और वो देखिए फ्रेंड्स, किटी जो है कहाँ सो रही है, हमारे कुएं के ऊपर सो रही है। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि बिल्लियों को इतना ज्यादा नींद कैसे लगता है। मतलब दिन भर सोती है, रात को भी मेरे साथ सोती है। पता नहीं इन लोगों को इतना ज्यादा नींद कैसे लगता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? किटी उठ जाओ, सुबह हो गई। सुबह क्या, शाम हो गई सोते सोते। किटी उठ जाओ, सूरज दादा उग कर अब डूबने भी वाले हैं और तुम्हारा जो नींद है वो नहीं खुल रहा है ना। भी अगर कुछ भी मम्मी बनाएगी ना तब जाकर वहाँ परेशान करेगी, लेकिन अभी दिन भर सोना है इसे। जी हाय कर दो। हाय नहीं। फ्रेंड्स, अभी रात के 8 बज चुके हैं एंड फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एडिट कर रही थी। सो इस ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह भी कंप्लीट हो गई है, तो अभी डिनर करेंगे। एंड आज मम्मी ने सिंपल सा ही डिनर बनाया है, रोटी और सब्जी। तो चलिए फिलहाल आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप सबसे कल इसी टाइम में 2:12 PM एक न्यू इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये चाय के साथ कैसा लगता है रवि? बहुत मीठा, ऐसे भी जैसा जैसा लगता है, गुल्ला जैसा मीठा। कल मिलेगा, बाय बाय। कल मिलेगा फ्रेंड्स, बाय बाय।